ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। टेस्टी टेस्टी पराठा, आलू की सब्जी और रायता। हेलो एवरीवन, पूजास किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कसूरी मेथी नमक अजवाइन का पराठा, आलू की सब्जी और खीरे का रायता। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल पूजास किचन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल पूजास किचन सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप गेहूँ का आटा लिया है। 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। मैंने आटा लगाने के लिए 1 कप से थोड़ा सा कम पानी यूज में लिया है। अब हम फ्लोर पे थोड़ा सा आटा को फैला लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छे से मल लेंगे। हमारे जो पराठे हैं इससे काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। मैंने आटे को अच्छे से गूंध लिया है। चलिए अब हम सब्जी रेडी कर लेते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पर उबले हुए 4 आलू लेंगे। याद रहे, हमें आलू को ज़्यादा नहीं उबालना है। आलू उबालते समय फटने नहीं चाहिए। 2 से 3 साबुत हरी मिर्च लेंगे। मैंने हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा दिया है। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ टमाटर लेंगे। 1/2 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे। 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन लेंगे। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। 5 से 6 पत्ते करी पत्ता लेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने आलू छील लेते हैं। मैंने आलू को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसको काट लेंगे। हमें आलू के मोटे मोटे पीस करने हैं। मैंने सारे आलू को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड किया हुआ है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, करी पत्ता ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यह अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए आलू ऐड करेंगे और 1 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। हमें आलू को रखे हुए 1 मिनट हो चुका है। हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, दुकस किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी सब्जी रेडी होती है तब तक हम अपना रायता बना लेते हैं। खीरे का रायता बनाने के लिए 1/2 खीरा लेंगे। मैंने यहाँ पे चाइनीज़ खीरा लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे। 1/2 कटोरी दही लेंगे। सबसे पहले हम खीरे को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें कद्दूकस किया हुआ खीरा ऐड करेंगे, कटे हुए प्याज हरी मिर्च ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून से कम नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून से कम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून से कम जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह अभी गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हमारा रायता बनकर रेडी है। चलिए अब हम सब्जी चेक कर लेते हैं। हमें सब्जी को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम सब्जी को बिना ढके 1 मिनट तक पकाएंगे। हमें सब्जी को रखे हुए 1 मिनट हो चुका है। हमारी सब्जी बनकर रेडी है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, गैस को बंद कर लेंगे और इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अब हम पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम तवा लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे। चलिए जब तक तवा गर्म होता है तब तक हम पराठे बना लेते हैं। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। लोई थोड़ी सी मोटी बनाएंगे और इसको बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लेंगे। मैंने इसकी रोटी बना ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। आप चाहे तो घी की जगह
ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने रोटी में अच्छे से घी फैला लिया है। अब हम इसको एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, फिर वापस से फोल्ड करेंगे, इसको पलट लेंगे और ऊपर की साइड से फोल्ड करेंगे, वापस से दोबारा फोल्ड करेंगे। अब हम इसको बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लेंगे। मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पराठा ऐड करेंगे। ये एक साइड से पक चुका है, अब हम इसको पलट लेंगे। ये दूसरी साइड से भी पक चुका है, हम इसे वापस से पलट लेंगे। अब हम इसमें देसी घी लगाएंगे, वापस से पलट लेंगे और इसको वापस से घी लगाएंगे। हम इसको चारों तरफ से हल्के हल्के हाथों से दबा लेंगे ताकि हमारा जो पराठा है वो अच्छे से सिक जाए। मैं पराठे देसी घी में सेक रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा पराठा बनकर रेडी है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे और एक एक करके सारे पराठे रेडी कर लेंगे। मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और गैस को बंद कर लेंगे। देखिए, हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनकर रेडी हैं। उसके साथ आलू की सब्जी और रायता भी बनकर रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।